Hello guys and welcome back to another very important video section from your own channel. My name is Vijay Kotekar. In this particular video, we are going to study about the cell cycle and cell division. So, you know very well that this is a very important topic. That's why I am taking it very a basic manner. Okay. So now, in this video section, in this lecture, we are going to study the most important point. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको माइटोसिस समझ में आ जाएगी. ध्यान रखो बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको माइटोसिस समझ में आ जाएंगे बेटा. तो इसे बहुत ध्यान से करना है. ओके, तो इसका नाम है बेटा प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए. प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए. देखो बेटा, प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है? प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए. भरपूर साऱ्या विद्यार्थ्यांना प्लॉइडीचा मीनिंग समजत नाही आणि हा मीनिंग न समजल्यामुळे त्याला भरपूर साऱ्या अडचणी माइटोसिस शिकत असताना येत असतात. त्यामुळे सगळ्या विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी प्लॉइडी शिकवत असताना अमाउंट ऑफ डीएनए शिकत असताना व्यवस्थित पद्धतीने लक्ष देणं गरजेचं आहे. ओके, सो नाउ मी काय सांगतो लक्षात घ्या. आता सगळ्यांना माहिती आहे सो दिस इज द यंग फेज, दिस इज द G1 फेज, दिस इज द यस फेज एंड दैट वन बी द G2 फेज. बराबर, तो हमने कल देखा था इस बारे में. ए यंग फेज है, माने कि एक्चुअल सेल डिवीजन की फेज है. ए G1 फेज है, हमने कल के लेक्चर में देखा था कि G1 फेज में क्या होता है. नेमक G1 फेज मध्ये होता काय ते आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. यस फेज मध्ये काय होतं हे पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला माहित असेल की यस म्हणजे सिंथेसिस असा याचा अर्थ होतो आणि याच्यामध्ये अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होतो. बरोबर आहे की नाही? आणि नंतर G2 फेज मध्ये सुद्धा काय चेंजेस होतात या बाबतीत सुद्धा आपण मागील लेक्चर मध्ये चर्चा केली होती. बर, हे सर्व काही शिकत असताना आता एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मी सांगतो. बघा, या ठिकाणी हे डायग्रामेटिक रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, हे डीएनए चं आहे. पण हा डीएनए मानू, हा डीएनए आहे. डीएनए कंडेन्स झाल्यावर क्रोमॅटिन तयार झालं. डीएनए कंडेन्स झाल्यावर क्रोमॅटिन तयार झालं आणि क्रोमॅटिन कंडेन्स झाल्यावर या ठिकाणी क्रोमोझोम तयार झालं. लक्षात घ्या, ह्या तीन गोष्टी लक्षात घ्या. म्हणजे अगर हमने क्रोमोसोम को सुलझाया तो हमें क्रोमैटिन मिलेगा, और हमने अगर क्रोमैटिन को सुलझाया तो हमें डीएनए मिलेगा. बहुत सिंपल सी ये बात है बेटा. अगर हमने डीएनए को कंडेंस किया तो हमें क्रोमैटिन मिलेगा, और क्रोमैटिन को कंडेंस किया तो हमें क्रोमोसोम मिलेगा. बराबर है? तो इसी चीज को मैं सेंटेंस के फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूं, आपको बोलता हूं. क्रोमोसोम विजिबल. अभी एक बात समझो बेटा, जो क्रोमोसोम्स रहते ना, क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन यम फेज. देखो बहुत ही बढ़िया लाइन है. जो क्रोमोसोम्स रहते हैं ना बेटा, वो ओनली यम फेज के अंदर विजिबल है. अभी एक बात तो आप सभी को पता होनी चाहिए, G1, S और G2, ये G1 है, ये S है और ये G2 है. इन तीनों को हम साथ में कहते हैं बेटा इंटरफेज. और हमारा ये M बोले तो हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन है. लेकिन अगर देखा जाए ये जो क्रोमोसोम से ना क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम जो रहते हैं वो हमें सिर्फ यम फेज के अंदर दिखाई देते हैं. तो आपको पता है ह्यूमन सेल का सेल डिवीजन होने का जो टाइम रहता है ये 24 आवर है. तो 24 आवर में से एक आवर होता है यम फेज, एक आवर होता है यम फेज. इसका मतलब होता है
हमें जो क्रोमोसोम विजिबल है, एक क्रोमोसोम सिर्फ एक आवर के लिए विजिबल रहते हैं, बराबर, सिर्फ एक आवर के लिए विजिबल रहते हैं। मैंने आपको लिख के दिया था कि G1, S और G2 और M, इन सभी को सेल डिवीजन के लिए 24 आवर्स लगते हैं, बराबर, और M फेज को एक आवर लगता है। तो इसी का मतलब हो गया S G2 और M को, S G2 और M को 23 आवर्स लग गए बेटा, बराबर। तो हमें जो क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, एक क्रोमोसोम्स हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर M फेज में दिखाई देते हैं। इसी का मतलब होता है हमें जो क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे वो सिर्फ 24 आवर्स में से सिर्फ एक आवर में दिखाई देने वाले, बराबर। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो ठीक है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने अभी इसको मिटाया नहीं है। तो क्या होता है, मैंने आपको बोला कि क्रोमोसोम में कहां दिखाई देते बेटा? यस एग्जैक्टली, हमें क्रोमोसोम यम फेज के अंदर दिखाई देते हैं। तो हमें G1, S और G2 के अंदर क्या दिखाई देता है? देखो, क्रोमैटिन इज विजिबल इन G1, S एंड G2 फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, दैट इज द साइकिल, ओके। क्रोमैटिन इज विजिबल G1, S एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल, सो वी कैन से दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे राइट डाउन करना चाहिए, प्लीज नोट डाउन। शायद आपका ये हुआ होगा, ओके। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पर दूसरा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बोलूंगा। देखो, आपको तो ये समझ में आया होगा, डीएनए कंडेंस होता है तो क्रोमैटिन बनेगा, और क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनेगी, ओके। डीएनए को कंडेंस करो तो क्रोमैटिन मिलेगा, और क्रोमैटिन को कंडेंस करो तो हमें क्रोमोसोम मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके, इसे याद रखना है, ओके। आता पुढे काय आहे, सेल डिव्हिजन मध्ये आता नेमकं पुढे काय, आता तुम्हाला सगळ्यांना चांगल्या पद्धतीने माहिती लक्षात घ्या की आपली सेल सायकल, ओके, सेल सायकलच्या फेजेस वगैरे आपल्या बॉडी मध्ये असं काही नसतंय, फक्त ते आपल्याला समजावं म्हणून आपण त्या पद्धतीने सेल सायकलच्या फेजेस या ठिकाणी पाडलेले आहेत, हे समजून घ्या, ओके। ही तुमची यम फेज, ओके, इथं तुमची G1 फेज, इथं तुमची या ठिकाणी S फेज, आणि या ठिकाणी तुमची G2 फेज, ओके। आता सगळ्यांचं लक्ष व्यवस्थित पाहिजे, तुम्हाला एक माहिती आहे की अमाउंट ऑफ डीएनए जो आहे, अमाउंट ऑफ डीएनए या ठिकाणी हा जो काही अमाउंट ऑफ डीएनए आहे, हा अमाउंट ऑफ डीएनए S फेज मध्ये डबल होतो, बरोबर आहे की नाही? अमाउंट ऑफ डीएनए जो डबल होतो तो S फेज मध्ये डबल होतो, ओके। तर मग या ठिकाणी सपोज दैट, या ठिकाणी म्हणजे G1 फेज मध्ये 2C अमाउंट आहे त्या ठिकाणी डीएनए चा, अमाउंट ऑफ डीएनए इन द G1 फेज इज 2C। देखो, मान के चलो बेटा कि हमारे G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए ये 2C है, बराबर। तो ए हो गया यहां पर जो डीएनए होगा, ओके, तो यहां पर क्या होता है, एस के अंदर ये जो डीएनए है, ओके, ये डीएनए के बढ़ने की प्रोसेस हो जाएगी बेटा, प्रोसेस होगी, ओके। यहां पर सिर्फ क्या होता है, चेंज होता है अमाउंट ऑफ डीएनए इज गेटिंग चेंज
यहां पर हमें चेंज दिखाई देता है, चेंज बराबर है, चेंज दिखाई देता है ओके। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पर डबल होता है, लेकिन कब होता है, इस फेज पे आने के बाद, इस स्टेज, इस ये जो स्टेज आपको दिखाई दे रही है, यहां पर आने के बाद ही अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा। अभी आपको तो पता है ये G2 फेज है, G2 फेज में अगर देखा जाए, अगर इधर अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था तो इधर अमाउंट ऑफ डीएनए बनेगा 4C। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ओके। अमाउंट ऑफ डीएनए अगर G1 में 2C है, देखिए मैं फिर से आपको बोलता हूं, जर अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज मध्ये 2C आहे तर याचा अर्थ असा होतो कि S फेज मध्ये अमाउंट ऑफ डीएनए वाढतोय, आणि S फेज झाल्यावर जी फेज आपल्याला लागते, ज्या फेजचं नाव आहे G1 फेज, या G2 फेज, या G2 फेज मध्ये आपल्याला अमाउंट ऑफ डीएनए डबल झालेला दिसतोय। याचा अर्थ असा होतोय की जर अमाउंट ऑफ डीएनए G1 फेज मध्ये 2C आहे तर G2 फेज मध्ये अमाउंट ऑफ डीएनए 4C असणार। ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, म्हणजे आपल्याला G1 फेज कडून G2 फेज कडे जात असताना S फेज लागते, आणि या S फेज मध्ये अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। तर या ठिकाणी मी एक रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला मी सांगतो, ते समजून घ्या। बघा ही आहे G1 फेज, G1 फेज मध्ये या ठिकाणी 2C क्रोमोझोम्स आहेत, दोन जे काही अमाउंट ऑफ डीएनए आहे ते 2C आहे। या ठिकाणी G2 मध्ये ती काय झाली बेटा, 4C झाली निश्चितपणे ओके, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C झाली। आणि का झाली, बिकॉज या दोघांच्या मध्ये या ठिकाणी आपल्याला S फेज लागलेली आहे। मग G1 कडून G2 कडे जात असताना S फेज लागते, बघा G1 कडून G2 कडे जात असताना S फेज लागते, परत एकदा सांगतो नीट लक्ष द्या, G1 कडून G2 कडे जात असताना S फेज लागते, आणि या S फेज मध्ये ही जी अमाउंट ऑफ डीएनए आहे ही डबल झाले। लक्षात घ्या बाळांनो, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल झालाय, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल झालेला आहे, क्रोमोझोम नंबर डबल झालेला नाहीये, हे समजून घ्या। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल झालेला आहे, क्रोमोझोम नंबर डबल झालेला नाहीये, हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे। हां, डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन काढून घ्या। तो यस फेज के अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है ओके। और बाद में क्या होगा बेटा, देखिए अभी यहां पर G2 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो गया, तो ये अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पर M फेज में जाने के बाद यहां पर इसका बंटवारा होगा बेटा, बंटवारा, ये फिर से यहां पर एक सेल बनेगी जिसके अंदर 2C होगा और इसके अंदर भी 2C होगा। माने कि 4C का अमाउंट का हम बंटवारा करेंगे दो डॉटर सेल के अंदर, तो इसमें जाएगा 2C और इसमें जाएगा 2C। माने कि M फेज के अंदर यहां पर अगर देखा जाए तो जो 4C अमाउंट है हमारा डीएनए का, जो G2 पे सॉरी जो G2 फेज के अंदर है, वो G2 फेज के अंदर बना हुआ जो 4C अमाउंट ऑफ डीएनए है, ये यहां पर M फेज के अंदर वो बढ़ जाएगा, बराबर, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां पर जो दो डॉटर सेल यहां पर बनी है, वो दो डॉटर सेल के अंदर 2C2C क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे, सो ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं ओके। क्या आपको बात समझ में आ गई बेटा, यस नो ओके। चलो जोर से बोले बाकी स्टूडेंट, बोलिए मुझे जल्दी से ओके। नेक्स्ट, एनी स्टूडेंट इज देयर ओके who does not understand the concept, आपको concept समझ में आई बेटा? चलो ठीक है ओके, वेरी गुड वेरी गुड ओके। चलो ठीक है, अभी हम इसके आगे जाएंगे। अभी मैं आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, एक ग्राफ के हिसाब से समझा के बोलूंगा, एक ग्राफ मैं यहां पर निकालूंगा तो ग्राफ में आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा ओके। ग्राफ बोले तो सर दुखने लगता है, मुझे पता है बेटा ओके। अगर बायो के स्टूडेंट को अगर ग्राफ बोले तो उसका सर क्या होता है, दुखने लगता है, हां सीधी सी बात है, लेकिन ग्राफ इतना हार्ड नहीं है, इजी है। चलो देखेंगे क्या बोलते हैं इस ग्राफ के अंदर। देखो बेटा ध्यान से देखो,
ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है। तो x एक्सिस में मैं फेजेस लिखूंगा, ओके फेज लिखूंगा, फेज यहां पर लिखूंगा मैं 2c और यहां पर लिखूंगा मैं 4c, ओके यहां पर कितना लिखा बेटा मैं 2c और यहां पर ऊपर कितना लिखा 2c और ये है 4c। तो जीवन फेज में क्या है, जीवन फेज में देखो, जीवन फेज में ये देखो ये हो गया आपकी जीवन फेज, ओके तो जीवन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बेटा 2c है। देखो यहां पर जीवन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है 2c है। अगर यही देखा जाए तो जीवन फेज में, जीवन फेज के बाद आती है यस फेज। तो यस फेज में क्या होता है, यस फेज में ये हो गया आपकी यस फेज, ओके यस फेज में ए बढ़ती बढ़ती जाती है और जब ए यस फेज खत्म हो जाएगी, जब ए यस फेज खत्म हो जाएगी वहां पर ए अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा 4c होगा बराबर। तो उसके बाद आती है बेटा G2 फेज, तो आपको तो पता है G2 फेज के अंदर तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है बेटा 4c है बराबर। तो बाद में क्या होता है, बाद में फिर से ये जो 4c है इनका बंटवारा किया, बंटवारा हो जाता है। तो बंटवारा किस फेज में हो जाता है, यम फेज के अंदर। तो फिर से एक सेल के अंदर क्या हो जाएगा 2c क्रोमोसोम हमको दिखाई देगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें समझ में आता है जीवन फेज के अंदर 2c क्रोमोसोम रहते हैं, यस फेज के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ते बढ़ते जाते हैं, जब यस फेज खत्म हो जाएंगी तब हमारे पास 4c क्रोमोसोम रहेंगे, इसका मतलब G2 के अंदर हमारे पास 4c क्रोमोसोम रहेंगे, ओके और बाद में ये जो है 4c इनका बंटवारा होगा यम फेज में और जो दो डॉटर सेल हमें मिलेंगी उन डॉटर सेल के अंदर हमें 2c यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पर डिवीजन होगा बराबर। आपको ग्राफ समझ में आया बेटा, बोलिए जल्दी से, वेरी गुड ओके। तो चलो ठीक इसको ड्रॉ कर लो बेटा जल्दी से। चलो हो गया हो, ओके तो आगे बढ़ेंगे आप बेटा। तो इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं और एक बात हमारे साइकिल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो क्या है साइकिल का फॉर्म, आपको पता है कि मैंने क्या निकाला, ओके हमारी सेल साइकिल है, ओके इस सेल साइकिल के अंदर यहाँ पर होता है यम फेज, ओके यहाँ पर होता है हमारा यम फेज, यहाँ पर होता है जीवन फेज, यहाँ पर होता है यस फेज और यहाँ पर होता है G2 फेज बराबर है। ये यम फेज, जीवन फेज, यस फेज और यस फेज, G2 फेज और यम फेज, ओके सो ऐसे कुछ फेजेस हैं, ओके तो मैंने आपको पहले बोला यहां पर क्रोमैटिन रहता है, यहां पर क्रोमैटिन रहता है बराबर है, तुमको पता है यहां पर क्रोमैटिन है। यस फेज के अंदर में हमें क्रोमैटिन ही पाया दिखाई देता है, क्रोमैटिन ही दिखाई देता है। G2 फेज के अंदर में हमें क्रोमैटिन दिखाई देता है, क्रोमैटिन दिखाई देता है क्रोमैटिन। लेकिन यम फेज के अंदर हमें क्या दिखाई देता है बेटा, कौन बोल सकता है मुझे आंसर इसका, ओके बोलिए। G1 यस और G2 इन फेजों में हमें क्रोमैटिन दिखाई देता है, लेकिन यम फेज के अंदर हमें क्या दिखाई देगा बोलिए मुझे जल्दी से। यस बेटा जोर से बोलिए, यस क्रोमोसोम दिखाई देंगे, करेक्ट आंसर यहां पर हमें दिखाई देते हैं बेटा क्रोमोसोम, ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें क्रोमोसोम किस फेज के अंदर दिखाई देते हैं, तो वहां पर ऑप्शंस रहेंगे जीवन फेज, यस फेज, G2 फेज और यम फेज। तो आपको पता होना चाहिए बाकी तीनों फेजों के में अंदर, माने कि जीवन, यस और G2 के अंदर हमें क्रोमैटिन दिखाई देती है, लेकिन यम फेज के अंदर हमें क्रोमोसोम पाए मिलते हैं। तो क्या होता है बेटा मेरी बात सुनो, लेकिन ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन सर हमें तो ये आता है फिर से क्यों बोला, देखिए बेटा ये क्यों बोला, जीवन फेज के अंदर मैंने बोला अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जीवन फेज के अंदर यहां पर 2c क्रोमोसोम है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2c है। तो G2 के अंदर कितना होता है,
एग्जैक्टली 4C होता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, सपोज दैट यहां पर जो क्रोमैटिन है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, बराबर है। तो इधर जो क्रोमैटिन रहेगा ना G2 फेज के अंदर, तो इस तरीके से समझ में आया। ओके, बाद में M फेज में जाने के बाद इनका क्या होता है, ऐसा ब्रेकडाउन हो जाएगा, बराबर है। तो आधा हाफ एक सेल के अंदर जाएगा और आधा हाफ दूसरे सेल के अंदर जाएगा, तो ऐसा होता है। इधर क्या है बेटा, मैंने बोला इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रोमैटिन का हमें दिखाई देता है, लेकिन इधर हमें साइड बाय साइड दिखाई देता है क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर, बराबर है। तो इस तरीके से जो अमाउंट ऑफ डीएनए रहता है, वो अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पर G2 फेज में 2C का 4C बन जाता है, बराबर। और इस तरीके से यहां से ब्रेक होने के बाद जो दो डॉटर सेल यहां पर फॉर्म होती है, उन दोनों डॉटर सेल के अंदर वो जो ब्रेक होने वाला, डिवाइड होने वाला जो क्रोमैटिन है, वो क्रोमैटिन उधर उनमें क्या किया जाता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनका डिवाइडेशन किया जाता है। तो आपको ये सब सीखते समय एक कांसेप्ट याद होना बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते बेटा, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम है बेटा, बराबर, स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम को कहने का बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो और होमोलोगस क्रोमोसोम जो रहते हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ये कांसेप्ट आपको 12th स्टैंडर्ड में आएगी बेटा जेनेटिक्स के अंदर। तो G1 टू G2 अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है, तो यहां पर मैं लिख के देता हूं, ये देखो G1 टू G2 जाते समय अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। ओके, G1 टू G2 जाते समय यहां पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। ओके, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो, मुझे एक बात बोलो, यहां पर क्रोमोसोम डबल होते हैं क्या बेटा, क्रोमोसोम डबल होते हैं क्या, बोलिए मुझे, बोलिए जोर से बोलिए, यस बेटा, दूसरा नो बेटा। ओके, तो यहां पर क्रोमोसोम डबल नहीं होते। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखो, यहां पर क्रोमैटिड डबल होते हैं। ओके, क्रोमोसोम डबल नहीं होते बेटा, लेकिन यहां पर देखो ये दो ही क्रोमैटिड हैं, लेकिन यहां पर हमें चार क्रोमैटिड मिलते हैं, तो क्रोमोसोम डबल नहीं होते लेकिन क्रोमैटिड डबल होते। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि G1 फेज में, देखिए G1 फेज के अंदर अगर जीवन फेज के अंदर अगर हमारे बॉडी के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम से, तो G2 के अंदर भी हमारे बॉडी में 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, उनका नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन उनका अमाउंट जो है वो अमाउंट यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ताकि यम फेज में जो दो डॉटर सेल हमें मिलेंगी, वो दो डॉटर सेल के अंदर जो 4C अमाउंट है, ओके, वो इक्वली हम क्या कर सके, डिवाइड कर सके। ओके, तो एक कंसेप्ट यहाँ पर है। ओके, सो राइट डाउन द रूल। चलो जल्दी से लिख लो बेटा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अभी, इसके बाद क्या है, ये हो गए बेटा। बच्चों आपको पता होना चाहिए, एन बोले तो हैप्लॉइड होता है और 2N बोले तो डिप्लॉइड होता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे यम फेज के बारे में, देखेंगे अभी हम यम फेज। ओके, अभी तक हमने G1 में क्या होता है, यस फेज के अंदर क्या होता है और G2 फेज के अंदर क्या होता है देखा, बराबर। तो इसके बाद हमें यहां पर दिखाई देता है, यहां पर है यम फेज, बहुत ही यम फेज इंपॉर्टेंट है बेटा,
लेकिन एमपेज सीखने से पहले ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए मैंने आपका एक प्लॉयडी का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर मैंने क्लियर किया। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। यम पेज है बेटा हमारे पास, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस पेज का नाम है यम पेज। देखो यम पेज, और यम पेज को कहने का माइटोसिस। यम पेज को क्या कहने का? माइटोसिस। ओके, यम पेज को कहा जाता है माइटोसिस। हाँ, यम पेज को तुम मियोसिस भी कह सकते हो बेटा, लेकिन यम पेज को मियोसिस, यम पेज में मियोसिस जब होती है वो डायरेक्टली तो रिप्रोडक्शन हो जाता है। ओके, तो इसीलिए कुछ बुक्स में उन्हें यम का मतलब माइटोसिस ही दिया है। ओके, और इसे और एक नाम है बेटा, इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। देखो इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। यम फेज को क्या कहा जाता है? माइटोसिस कहा जाता है। यम फेज को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। ओके, तो ये जो यम फेज होती है ना बेटा, यम फेज ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। पहला पॉइंट यहां पर मैं आपको लिख के देता हूं, मोस्ट ड्रामेटिक। मोस्ट ड्रामेटिक क्यों कहा गया? बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर होते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ सेल। सेल के लाइफ में सबसे बड़ा ड्रामेटिक पीरियड अगर कौन सा है तो वो है यम फेज। बराबर है, तो यम को क्या कहा जाता है बेटा? यम तो माइटोसिस। ओके, सो यम का मतलब होता है माइटोसिस। ओके, माने कि यम फेज, तो इसके अंदर दो चीजें होती है बेटा, दो चीजें होती है। पहला तो होता है कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस। बराबर, देखो ध्यान से सुनो, यम फेज के अंदर क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी बात होती है यहां पर साइटोकाइनेसिस। देखो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होना, न्यूक्लियस डिवीजन। ओके, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ओके, ये बात ध्यान रखना है बेटा, याद रखना है। ओके, ध्यान में रखो, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। तो क्या होता है बेटा, सपोज दैट, कैरियोकाइनेसिस को समझ लो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही समझ में आ गया तो आगे का टॉपिक बहुत ईजी जाता है। बराबर, सपोज दैट ए सेल है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद हमें एक ही सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई देते, तो यहां पर क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस। ओके, कैरियोकाइनेसिस होगा मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बट गया। तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बट गया, इसी का मतलब होता है वहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ। बराबर, आपको समझ में आया बेटा? बोलिए। वेरी गुड। ओके, चलो, तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और ये जो कैरियोकाइनेसिस रहता है बेटा, ओके, तो अभी एक बात बोलता हूं आपको, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? अभी हमें इस तरीके से स्टेज दिखाई देती है। ओके, हाँ, क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब जो एक सेल है, एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो बाद में ये जो कैरियोकाइनेसिस हुई वाली जो सेल है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है, और एक सेल से हमें मिलते हैं दो सेल। मतलब यहां पर क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। सीधी सी डायग्राम दिखाता हूं, या ऐसी डायग्राम थी हमारे पास पहली। ओके, तो ऐसा हो जाता है, बोले तो एक सेल से दो सेल मिलते हैं, इसी का मतलब होता है कैरियोकाइनेसिस के बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और कैरियोकाइनेसिस में यहां पर पहले जो कैरियोकाइनेसिस होती है उसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन। समझ में आ गया बेटा? बोलिए, कंसेप्ट क्लियर है? यस यस, बाकी स्टूडेंट बोलिए जल्दी से, क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए बेटा?
मृणाल, चैताली, पूर्णिमा, चलो ओके। तो अभी हम देखेंगे बेटा पहली वाली जो स्टेज है जिसका नाम है कैरियोकाइनेसिस। ओके, इसमें कुछ और कुछ चीजें होती है। ओके, तो देखेंगे हम अभी। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है आपको दिखाई दे रहा है, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, तो कैरियोकाइनेसिस में होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। बात को भूलना नहीं बेटा, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो एक न्यूक्लियस बढ़ जाता है दो न्यूक्लियस के बीच में। ओके, तो इस कैरियोकाइनेसिस स्टेज के यहां पर चार पार्ट होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। पहला वाला रहता है प्रोफेज, दूसरा वाला रहता है मेटाफेज, तीसरा वाला रहता है एनाफेज और चौथा वाला रहता है टेलोफेज। देखो यहां पर कैरियोकाइनेसिस के कुछ सब फेजेस हैं। पहले का नाम है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टेलोफेज। बराबर, तो ये सब लिख लो बेटा जल्दी से, चलो राइट डाउन फास्ट। हो गया बेटा? Yes. चलो अभी हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज क्या है? जो पहली फेज है बेटा प्रोफेज, यम फेज के अंदर सबसे पहली फेज का जिसका नाम है प्रोफेज। देखते हैं क्या है ये प्रोफेज। ओके, प्रोफेज के बारे में डीप स्टडी करेंगे अभी हम। तो पहला है बेटा प्रोफेज, प्रोफेज। ओके, तो देखो क्या होता है इन प्रोफेज के अंदर। एक बात मैं आपसे बोलता हूं बेटा, यहां पर G2 में जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो डबल होके आया है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होके आया है। G2 खत्म होने के बाद ए सेल सेल साइकिल में यम फेज के अंदर जाएगी। यम फेज के अंदर सबसे पहली स्टेज उन्हें लगती है कैरियोकाइनेसिस और बाद में लगती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला लगता है प्रोफेज। अभी ये जो प्रोफेज है, ये प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का टाइप है, सब टाइप है। प्रोफेज जो है एक कैरियोकाइनेसिस का सब टाइप है। इसका मतलब प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में होगा न्यूक्लियस का डिवीजन। प्रोफेज में होगा न्यूक्लियस का डिवीजन। चलो क्या होता है देखते हैं। अभी आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पर मैं निकाल के देता हूं। देखो ये सेल है बेटा, बराबर, और ये जो है ये है न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो है अमाउंट ऑफ डीएनए कैसा हो गया? डबल हो गया है अभी प्रोफेज के अंदर, बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ओके, तो यहां पर जो क्रोमैटिड है, अभी यहां पर क्रोमैटिड नहीं बोल सकते हम, प्रोफेज है, तो यहां पर हमें क्रोमोसोम वर्ड यूज करना चाहिए। तो यहां पर जो क्रोमोसोम है, ओके, इस तरह से ओके, इनका होगा ऐसा डिवीजन। ओके, क्योंकि हमें दो डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम को इक्वली बांटना है। ओके, तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आप सभी को लोकर पता होंगी, बराबर है? लोकर सगळ्यांना माहित असेल, लोकर, बराबर है? मला एक सांगा, लोकरीचा समजा असा एक दोरा माझ्याकडे आहे आणि मला जर तो इक्वली दोन विद्यार्थ्यांमध्ये वाटायचा आहे तर मला त्याला पूर्ण आधी सोडवावं लागेल, बरोबर आहे? म्हणजे पूर्ण जो लोकरीचा जो दोऱ्याचा गठ्ठा असतो का, तो खूप एकमेकांमध्ये गुंतलेला असतो, बरोबर आहे? एकमेकांमध्ये कॉइल झालेला असतो, हां, आणि त्याला जर मला त्या दोन विद्यार्थ्यांमध्ये इक्वली वाटायचं आहे ना,
तर ती खूप किचकट प्रोसेस आहे, बरोबर आहे. पण जर मी त्या लोकरीच्या दोऱ्याचं एक शूटर बनवलं आणि मी जर म्हटलं या शूटरला दोन इक्वल भागामध्ये कापायचे, तर मला कोणतं सोपं जाईल? लोकरीचे दोरे दोन विद्यार्थ्यांमध्ये वाटायला सोपं जाईल का स्वेटर कापून दोन विद्यार्थ्यांमध्ये वाटायला सोपं जाईल? यस, कोणी सांगू शकता मला? बोला. यस बेटा, बोला 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 पटकन. काय म्हटली? मला आवाज नाही येते क्लिअर, तुझा मोठ्याने बोल. बरोबर, मी स्वेटर कापून त्यांना त्या ठिकाणी देऊ शकतो. मग आता लोकरीच्या दोऱ्याचं मी तुम्हाला अगोदरच एक या ठिकाणी डायग्राम आणि रिप्रेझेंटेशन या बाजूने काढून दाखवली होती की हा आहे आपला डीएनए, बरोबर आहे की नाही? हा, आणि नंतर याचा होतो क्रोमॅटिन, ओके, आणि क्रोमॅटिनचं नंतर होतो अशा पद्धतीनं क्रोमोझोम, बरोबर आहे की नाही? तर मग हा डीएनए आहे, हा क्रोमॅटिन आहे आणि हा आहे क्रोमोझोम. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी त्या लोकरीच्या दोऱ्याचं स्वेटर बनवायचंय, म्हणजे त्या लोकरीला कंडेन्स करावं लागेल, बरोबर आहे. मग क्रोमॅटिन तर मी एकमेकांना वाटू शकत नाही, दोन डॉटर सेलमध्ये क्रोमॅटिन मी इक्वली वाटू शकत नाही, म्हणून प्रोफेजमध्ये क्रोमोझोम तयार झाले. म्हणजे क्रोमॅटिनचं जे कंडेन्स स्ट्रक्चर आहे ज्याला आपण क्रोमोझोम म्हणतो, ते क्रोमोझोम या ठिकाणी तयार झाले आणि त्याचं अजून कंडेन्सेशन होतं. म्हणजे प्रोफेजमध्ये झालं काय? तर प्रोफेजमध्ये काय झालं? कंडेन्सेशन ऑफ क्रोमॅटिन मटेरियल. देखो यावर मी आपको पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है, कंडेन्सेशन ऑफ क्रोमॅटिन मटेरियल हुआ यहां पर. क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन अगर कहा होता है तो प्रोफेज में होता है, बराबर. बोले तो क्या हुआ? जो क्रोमैटिन है, पहली फेज यहां पर लिखता हूं, जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, ओके, ये जो क्रोमैटिन है ना बेटा, क्रोमैटिन, एक क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस, ओके. क्रोमैटिन क्या हो गए? स्टार्ट टू कंडेंस एंड क्रोमोजोम अपीयर. देखो, क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस एंड क्रोमोसोम अपीयर हुए. देखो एमसीक्यू क्वेश्चन नीट में आपको आ सकता है कि हमें कौन से फेज में क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, तो यहां पर एनसीईआरटी बोलती है हमारी कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम जो होता है ये हमें प्रोफेज में ही दिखाई देता है. तो यहां पर स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंस एंड क्रोमोसोम अपीयर विजिबल इन प्रोफेज. इसलिए यहां पर मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, विजिबल इन प्रोफेज. जो क्रोमोसोम रहते हैं बेटा वो प्रोफेज में हमें दिखाई देते हैं, ओके. तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीट के लिए, हाँ, इसे जानना भी बहुत जरूरी है. देखिए मैंने क्या किया, यहां पर डीएनए को कंडेंस किया क्रोमैटिन में और क्रोमैटिन को कंडेंस किया क्रोमोसोम में. तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन माने कि क्रोमैटिन का क्रोमोसोम कौन से फेज में बना, तो क्रोमैटिन का क्रोमोसोम प्रोफेज में बनता है और हमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, बराबर. तो यहां पर क्या होता है बेटा, और एक बात आपको बोलता हूं, और एक बात यहां पर हुआ नहीं, ओके, इसे आपने राइट किया होगा, इसे मैं मिटा देता हूं, ओके. तो यहां पर और क्या क्या होता है प्रोफेज के अंदर, बहुत जरूरी है जानना ये चीज, ओके. तो जानिए बेटा क्या होता है. अभी आपको पता है बेटा, सपोज दैट, हां एक बात ध्यान में रखो, जो क्रोमैटिन था, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना प्रोफेज में, बराबर है. लेकिन देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बना प्रोफेज में, लेकिन क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होते हैं मेटाफेज में. एनसीईआरटी हमें बोलती है बेटा कि क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस कहां पर होते हैं, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होते हैं मेटाफेज के अंदर. कंडेंसेशन उसका कंप्लीट हुआ प्रोफेज के अंदर, लेकिन क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस कहां पर होते हैं, तो क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस होते हैं आप हमारे मेटाफेज, माने कि एम फेज की दूसरी जो फेज है, पहली फेज है हमारी प्रोफेज,
दूसरी पोले जो फेज है हमारी मेटाफेज, पहले फेज में भी क्रोमोसोम हमें विजिबल है, लेकिन क्रोमोसोम का फुल्ली कंडेंसेशन स्ट्रक्चर अगर हमें कहां पर मिलता है तो मिलता है हमें मेटाफेज। एक दूसरी बात देखो ध्यान में, अभी ये जो सेल है, ये सेल के अंदर क्या होता है, मैंने आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर निकाल के दिए होंगे, इसे तुमने कहा होगा सेंट्रियोल, मैंने बोला था ओके, सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल जो डिवाइड होता है, ये सेंट्रियोल कहां पर डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म में, तो ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाके रुकते, तो अपोजिट पोल पे बोले तो कैसा, सपोज दैट ये सेल है तो इधर एक सेंट्रियोल जाएगा ओके, और इधर एक जाएगा बराबर, इस तरीके से अपोजिट पोल पे गए। तो अभी इन सेंट्रियोल के बारे में ध्यान से सुनो बेटा, सेंट्रियोल के बारे में ओके, सेंट्रियोल के बारे में ध्यान से सुनो, सेंट्रियोल क्या होते हैं, अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये है सेंट्रियोल, ये क्या है, सेंट्रियोल बराबर, सेंट्रियोल जब हमें इस कंडीशन में दिखाई देगा तब हमें इसे कहने का सेंट्रोसोम। तो ये क्या हो गया बोलिए, ये सेंट्रोसोम है तो ये क्या हो गया बेटा बोलिए जल्दी से, बोला बोला पटकन, मतलब आवाज इलास से बोला, सेंट्रोसोम बरोबर आहे। आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी सेंट्रोसोमला, सेंट्रोसोम हे जे सेंट्रोसोम आहे ना बेटा ओके, या पद्धतीने ओके, यांना असे मायक्रोट्यूब्यूल्स तयार होतात, मायक्रोट्यूब्यूल्स ओके, हे काय बेटा मायक्रोट्यूब्यूल, मायक्रोट्यूब्यूल ओके, आणि मायक्रोट्यूब्यूल असणाऱ्या, लक्षात घ्या मायक्रोट्यूब्यूल असणाऱ्या, याला रफ करतो मायक्रोट्यूब्यूल असणाऱ्या सेंट्रोसोमला बोलायचं अस्टर, काय बोलायचं अस्टर, ASTER अस्टर। तर आपल्याकडे किती अस्टर आहेत बाळांनो बोलो, आपका आवाज नाही आला मेरे तरफ, हमारे तरफ कितने अस्टर हो गए बेटा बोलिए, अरे बोला रे बाळांनो आपल्याकडे किती अस्टर झाले, टू अस्टर हो गए, एक्झॅक्टली करेक्ट आंसर। तो क्या होता है बेटा, ये जो अस्टर्स रहते हैं ना इस तरीके से रहते हैं जो, और सबसे बड़ी बात एनिमल सेल के अंदर ही हमें एम्पियस्टर दिखाई देते हैं ओके, ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर ही हमें ये दो अस्टर्स दिखाई देंगे, दो अस्टर्स दिखाई देंगे ओके, प्लांट सेल के अंदर तो नहीं दिखाई देते बराबर। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हमको प्रोफेज के अंदर दिखाई देता है ओके, चलो राइट डाउन इट, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, सीधी सी बातें ओके, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं ओके। क्या मैं इसे रफ कर सकता हूं या लिखने को टाइम देने का, बोलिए मुझे, बोलिए बेटा, हाँ यस बेटा मुलाल ओके, चला आता पुढे काय आहे ते समजून घ्या, हे बघा पुढे तितकंच महत्त्वाचं आहे। आता या ठिकाणी ही सेल, या सेल मध्ये अशा पद्धतीने अस्टर्स तयार झालेले आहेत, बराबर कॅस्टर्स तयार झाले आणि आपले जे क्रोमोसोम आहेत ना फोर सी अशा पद्धतीने ओके। आता काय होतं, हे आहेत अस्टर्स, हा पण आहे अस्टर, समजून घ्या बरं का, ते बहुत अच्छे से सुनना बेटा, हे अस्टर है ओके, प्रेझेंट इन ओनली एनिमल सेल रहते अस्टर, तो ये अस्टर यहां पर स्पिंडल फाइबर बनाते, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर ओके, तो आपको तो पता है स्पिंडल फाइबर जो रहता है, ए स्पिंडल फाइबर टुबुलिन नाम का जो प्रोटीन है,
टुबुलिन नाम के प्रोटीन से अस्टर बनते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, बराबर स्पिंडल फाइबर। ओके, तो आता काय होता ऐकून घ्या, आता हे स्पिंडल फायबर या क्रोमोझोमच्या सेंट्रोमियरला अटॅच होण्याचा प्रयत्न करतात, बरोबर। आता सपोज दॅट आपल्याला इथून आपल्याला सिडको बस स्टँड वरून बाबा पेट्रोल पंपाला जायचे, औरंगाबाद मध्ये आपल्याला सिडको बस स्टँड वरून बाबा पेट्रोल पंपाला जायचे, तर आपल्याला बऱ्याचशा ट्रॅफिक गोष्टी ट्रॅफिक्सला क्रॉस करून जावं लागेल, बरोबर आहे की नाही? बऱ्याचशा ट्रॅफिकला क्रॉस करून जावं लागेल, बरोबर आहे, आपल्याला त्या पद्धतीने करावं लागेल। परंतु जर एखादा व्ही आय पी माणूस असेल तर त्या व्ही आय पी माणसाला जर बाबा पेट्रोल जर सिडको बस स्टँडवरून बाबा पेट्रोल पंपावर जायचं असेल ना, तर मध्ये जी ट्रॅफिक आहे ना ती ट्रॅफिक पूर्ण क्लिअर केल्या जाते, बरोबर आहे की नाही? मध्ये जी काही ट्रॅफिक आहे ना ही ट्रॅफिक पूर्ण क्लिअर केल्या जाते, जेणेकरून त्याला सिडकोवरून बाबा पेट्रोल पंपाला जाण्यासाठी कुठलीही अडचण येऊ नये। त्या पद्धतीनं आता हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत, हे स्पिंडल फायबर या ठिकाणी जे तयार झालेले आहेत ना, त्या स्पिंडल फायबरच्या रस्त्यामध्ये येणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या सायटोप्लाझममध्ये आहेत, बरोबर आहे? जसं की ई आर आहे, गोल्गी बॉडी आहे, बघा मग या ठिकाणी काय होतं, ई आर, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी अशा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टी या ठिकाणी डिसअपियर होतील, म्हणा डिसअपियर होतील, लक्षात घ्या, ई आर असं गोल्गी बॉडी असं हा त्या गोष्टी काय होतील या ठिकाणी डिसअपियर होतील। का डिसअपियर होतील? कारण त्या स्पिंडल फायबरच्या मार्गामध्ये येणाऱ्या एक प्रकारच्या अडथळा आहेत आणि या अडथळा त्या स्पिंडल फायबरला येऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी ते ई आर आणि गोल्गी अपरेटस काय झाले, गोल्गी बॉडीज काय झाले, डिसअपियर झाले, बिकॉज दे इंटरफिअर विथ स्पिंडल फायबर। ओके, आणि त्याचबरोबर हे जे काही न्यूक्लियस आहे, ओके न्यूक्लियोलस जे आहे, ओके न्यूक्लियोलस गेट डिसअपियर, न्यूक्लियोलस गेट डिसअपियर, हे जे न्यूक्लियोलस सुद्धा आहे ना, हे न्यूक्लियोलस काय होतं या ठिकाणी डिसअपियर होतं। ओके, त्याचबरोबर काय होणार आहे, डिसइंटिग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हे जे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे बांधणं, आता हे स्पिंडल फायबर, हे स्पिंडल फायबरला या क्रोमोझोमच्या सेंट्रोमियरला काय करायचंय, पकडायचे, ओके, इकडले याला पकडतील, इकडले याला पकडतील आणि नंतर त्यांना एकमेकांना इकडे खाली खेचून घेईन आणि वर खेचून घेईन, बरोबर आहे? तर मग या ठिकाणी काय होऊ लागल, हे जे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे ना, हे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सुद्धा डिसइंटिग्रेट होणं गरजेचं आहे। तर या ठिकाणी तुम्हाला पॉइंट लिहून देतो, डिसइंटिग्रेशन, डिसइंटिग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन डिसइंटिग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काय झालं, डिसइंटिग्रेट झालं या ठिकाणी। अशा पद्धतीनं तुम्हाला मी प्रोफेज मध्ये नेमकं काय काय होतं ते तुम्हाला मी सांगितलं। तर इन शॉर्ट मी तुम्हाला सांगू शकतो की प्रोफेज मध्ये काय झालं, बाळांनो व्यवस्थित लक्ष द्या, प्रोफेज मध्ये क्रोमॅटिन मटेरियल कंडेन्स झालं आणि क्रोमोझोम्स तयार झाले। क्रोमोझोम का तयार झाले, कारण त्यांना शेअर करणं सोपं जातं दोन डॉटर सेल। मग आता या ठिकाणी जे काही क्रोमोझोम न्यूक्लियसमध्ये आहेत ते तर आहेतच, पण त्याचबरोबर जे सेंट्रोझोम आहे, ज्या सेंट्रोझोमला अस्टर मायक्रोट्युब्युल असल्यामुळे ते अस्टर्स बनले आणि अस्टर ही कंडिशन जी एम्पियास्टल ही कंडिशन आहे ही फक्त आपल्याला ॲनिमल सेलमध्ये आढळते, बरोबर आहे की नाही? जे आपण सेलचे दोन पोल्स असं म्हणतो, बरोबर आहे, आणि हे दोन्हीही अस्टर्स त्या ठिकाणी दोन सेलच्या वेगवेगळ्या पोलला जाऊन बसतील आणि यामधून अराईज होतील त्या ठिकाणी, बरोबर की नाही? हां, यामधून अराईज होईल, सगळ्यात यामधून अराईज होणार आहे त्या ठिकाणी स्पिंडल फायबर्स, आणि हे स्पिंडल फायबर्स जे असतील, हे स्पिंडल फायबर आता या न्यूक्लियसकडे येत असताना ई आर आणि गोल्गी बॉडीज डिसअपियर होतील, त्याचबरोबर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होईल आणि सगळ्यात महत्त्वाची जे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे हे न्यूक्लियर मेम्ब्रेनसुद्धा या ठिकाणी डिसइंटिग्रेट होणार आहे। अशा पद्धतीनं प्रोफेजमध्ये काय झालं हे तुमच्या चांगल्या पद्धतीत लक्षात आलेलं असेल, बरोबर। उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण घेऊ मेटाफेजमध्ये नेमकं काय, बरोबर, काय बघायचं आपल्याला मेटाफेजमध्ये नेमकं काय होईल। तुमच्या लक्षात आलं बेटा प्रोफेजमध्ये नेमकं काय झालं हे सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे का? मला रिप्लाय देशान सगळेजण, प्रत्येक जण यस बेटा, ओके, बाकीचे ओके, यस बेटा, नेक्स्ट,
ओके नेक्स्ट, थैंक यू सो मच. ओके एक मिनटा मध्ये लिहून घ्या, मी तुमच्याशी चर्चा करतो. ओके okay?